हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल आई एम बुक रिलीशियस। आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा। दोस्तों, मैं आपके साथ एक नए किताब का रिव्यू करने वाली हूं जिसका नाम है द प्रेजेंट। इस किताब को डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने लिखा है। इस किताब में दो इंसान के कन्वर्सेशन के बारे में दिया गया है। दो इंसान जिसमें से एक का नाम है बिल ग्रीन और दूसरे का नाम लिज मिकाइल है। तो जो बिल ग्रीन है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, अपने वर्क लाइफ में और अपने पर्सनल लाइफ में। और उसी के ऑपोजिट जो लिज मिकाइल है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जूझ रही है। अपना पर्सनल लाइफ, अपना वर्क लाइफ दोनों को वो मैनेज करके नहीं बैलेंस कर पा रही है। तो दोनों एक्स कलीग है, तो दोनों में कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। लिज की जो तकलीफ है, उसका जो प्रॉब्लम है, वो बिल ग्रीन के साथ वो अपना शेयर करती है और उससे मदद मांगती है। तो बिल ग्रीन यहाँ पे बताता है उसे कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। उसने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की है। उसका जो वर्क लाइफ है, उसका जो पर्सनल लाइफ है, वो बहुत अच्छी तरह से फुल्ली बैलेंस्ड है। और इसके पीछे एक कहानी है जिस कहानी की वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से वेल बैलेंस्ड चल रही है। तो इस कहानी के बारे में हमें अभी पता करना है कि कहानी क्या थी। तो उस कहानी का नाम ही है द प्रेजेंट। तो अभी हम जल्दी से अपना जो आगे का वीडियो है वो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, तो कहानी जो है उसका नाम है द प्रेजेंट। द प्रेजेंट मतलब क्या? आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है वही गिफ्ट है, वही प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक बूढ़ा इंसान और एक छोटे बच्चे का कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। लाइफ के इन फेजेस में वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है और इन सब प्रॉब्लम्स में से कैसे निकलना है इसका जो सल्यूशन है वो जो बूढ़ा इंसान है उसे बताता है। तो कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि जब छोटा बच्चा रहता है वो उसे बूढ़ा इंसान बताता है कि तुम्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, एक प्रेजेंट मिलने वाला है। तो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो पूछता है कि गिफ्ट क्या है, वो प्रेजेंट क्या है? गिफ्ट क्या एक मैजिक वॉन्ड है जिससे मुझे सब कुछ मिलने वाला है? गिफ्ट क्या एक टाइम मशीन है जिसके द्वारा मैं कहीं भी जा सकता हूँ? तो बूढ़ा इंसान बोलता है कि तुम्हें समय आते ही धीरे धीरे तुम्हें खुद ब खुद इस गिफ्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो जब धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, उसे बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, तब वो बूढ़े इंसान के पास आता है वापस और वो पूछता है जो गिफ्ट के बारे में आपने बताया था कि वो गिफ्ट क्या है, कब मुझे मिलेगा? तो बूढ़ा इंसान उन्हें उसे बोलता है कि तुम अभी ये जितने भी प्रॉब्लम्स तुम फेस कर रहे हो ना, इससे बाहर निकलो, कहीं जाओ, एकांत में रहो, तुम्हें खुद ब खुद इसका जवाब मिल जाएगा। तो जब वो सब कुछ छोड़ के अपनी जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम हो रहा था उस सारे चीज़ों को साइड हटा के वो माउंटेन में, वो पहाड़ों में घूमने जाता है और वहाँ एकांत में उससे रियलाइज़ होता है कि ये जो गिफ्ट की बात बूढ़ा इंसान बचपन से उसे बोले जा रहे हैं वो और कुछ नहीं, वो प्रेजेंट मोमेंट है। तो ये मैं इस एकांत रूम में हूँ, यहाँ एक इतना खूबसूरत सा माहौल है, इसमें मैं जी रहा हूँ, तो यही प्रेजेंट मोमेंट है, ये मुझे सब कुछ सुकून दे रहा है। अब यहाँ पे उसके मन में एक बात आती है कि प्रेजेंट का मतलब तो मुझे समझ में आ गया, पर जब हम अच्छे सिचुएशन में है, जब सब कुछ अच्छा है, तब तो हमें प्रेजेंट मोमेंट बहुत अच्छा लगता है। पर जब कुछ बुरा हुआ रहता है हम कैसे उस समय को एंजॉय करेंगे, कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे? तो इन प्रश्नों को लेकर वो बूढ़े इंसान के पास जाता है। तो बूढ़ा इंसान उसे जवाब देता है कि तुम ये सवाल तुमने बहुत अच्छा किया, मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट मोमेंट में जीना मतलब क्या, तुम अगर नेगेटिव चीज़ों को ही प्रेजेंट मोमेंट में देखोगे तो तुम्हारा ध्यान पूरा नेगेटिव में ही जाएगा, तुमको उस सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ तो बेहतर है, तो प्रेजेंट मोमेंट में जो पॉजिटिव चीज़ है उस पर ध्यान देना है। तो राइट नाउ मतलब प्रेजेंट मोमेंट और राइट नाउ मतलब क्या सही है, क्या सही चल रहा है, उस पर फोकस करना है। अब जो लड़का है वो अब तो छोटा बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो चुका है, वो वापस चला जाता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगता है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाता है, लेकिन वो कहीं और जाकर अटक जाता है। फिर उसके मन में एक क्वेश्चन आता है, एक सवाल आता है, फिर वो वापस आता है बूढ़े इंसान के पास
और बूढ़े इंसान से वो पूछता है, ऐसा बहुत सिचुएशन होता है कि मैं पास्ट लाइफ को भूल नहीं पाता, तो पास्ट लाइफ से कैसे निकलूँ मैं? तो यहाँ पे बूढ़े इंसान ने बताते हैं कि पास्ट लाइफ से निकलना मतलब तुमको अगर पास्ट लाइफ के सेम चीज़ को तुम अभी रिपीट करोगे तो तुम जहाँ पास्ट लाइफ में जहाँ पर थे प्रेजेंट में भी तुम वही गलती करोगे। तो पास्ट लाइफ में जो है उसको लेट गो करो, उसमें से क्या गलती है उसको देखो और उससे सुधारो, ताकि वही चीज़ तुम अभी प्रेजेंट में फिर से रिपीट ना करो। कुछ सीख के उस चीज़ से एक्सपीरियंस लेकर उस चीज़ को फिर से रिपीट मत करो, ताकि तुम्हारा जो वर्तमान काल है वो उस पास्ट की वजह से प्रभावित ना हो। तुम उससे कुछ सीखकर उसे जाने दो तो तुम्हारा प्रेजेंट मोमेंट सही रहेगा। वो लड़का खुशी खुशी अपने वर्क प्लेस पर वापस चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो किसी समस्या में अटक जाता है और वो फिर वापस आता है बूढ़े इंसान के पास और उसे उन्हें बताता है कि वो अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता रहता है, इस वजह से उसका जो वर्तमान काल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। इस पर बूढ़ा इंसान उसे बताता है कि तुम अपना जो फ्यूचर है उसे सिक्योर करने के लिए रियलिस्टिक प्लान बनाओ, रियलिस्टिक एक ड्रीम बनाओ जो कि सच में तुम उसे अकॉम्प्लिश कर सको और उस पर अभी से काम करना शुरू कर दो। तो कोई एक चीज़ अगर तुम सच में चाहते हो तो इसे अपने दिमाग में सोचो कि तुम वो कैसा करना चाहते हो, उस पर तुम कैसे काम करोगे और अभी से उस पर काम करना शुरू कर दो, तो इससे तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा और तुम्हारा प्रेजेंट भी बर्बाद नहीं होगा। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है कि बूढ़े इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो समझता है कि अब मुझे कौन गाइड करेगा, कौन मुझे संभालेगा। तो उससे बाद में पता चलता है कि उसके लाइफ का पर्पस क्या है, और ये जो चौथा पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस किताब का। आपकी लाइफ में पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हो, उसको आपको ढूंढ के निकालना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रेजेंट में जीना है, अपने पास्ट से जो एक्सपीरियंस है, जो घटना घटी है उससे आपको एक्सपीरियंस लेना है और लेट गो करना है, फ्यूचर में रियलिस्टिक प्लान बनाना है और उसको अकॉम्प्लिश करना है और उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। तो ये चारों चीज़ से बनकर तैयार होता है ये किताब, और ये किताब मुझे बहुत बहुत पसंद आई। अगर आपको ये किताब पढ़नी है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे एक बार पढ़ें। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी एक नए किताब के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा।